डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्लेटफॉर्म। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपका परिचय करा दूं। आप डॉक्टर चंद्रकांत गलधर हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मुंबई वेटनरी कॉलेज में। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू। नमस्कार विनीत जी, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, हमने आपको आज इनवाइट किया और इसकी वजह ये थी कि हम एक सब्जेक्ट को टच करना चाहते थे डॉक्टर साहब, स्पेशली जो इंडिया में, स्पेशली अगर बात करें तो जो नंबर ऑफ पेट्स हैं लोगों के पास, स्पेशली जो कंपेनियन पेट्स हैं, उसमें डॉग्स की सबसे ज्यादा संख्या है। कंपेरेटिवली यूएस में जैसे सिचुएशन काफी 50-50 जैसी है, इंडिया में डॉग ज्यादा है। और डॉक्टर साहब, जो डॉग पेरेंट्स हैं, अगर हम ये चीज समझना चाहते थे कि अगर वो जो घर में जब वो डॉग रखते हैं, बार बार वेट्स के पास, आप जैसे जो एक्सपर्ट उनके पास नहीं जा सकते, तो कैसे वो घरों में ही वो काफी कुछ समझ सके उनके सिग्नल्स को, चाहे वो हेल्दी सिग्नल्स हो या वार्निंग सिग्नल्स हो या जो भी चीजें हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसी बारे में बात करने के लिए आपको बुलाया है। डॉक्टर साहब, शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ह्यूमंस की लाइफ में पेट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। डॉक्टर साहब, पहले इसको समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विनीत जी। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सबसे प्राइमरी चीज़ ये है कि हम हमारे लाइफ में पेट एनिमल क्यों रखें। आप देख रहे हैं जैसे कि मेट्रो सिटी है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, यहाँ पे आजकल जो भी लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी टेंस है। पूरा टेंस इन द सेंस वर्किंग स्ट्रेस है, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेस है, काफ़ी तरह की चिंता उनको है। लेकिन अगर हम हमारे घर में कोई डॉग या कैट अगर रेयर करते हैं तो ऑफिस से जब हम लोग घर आएंगे थके हुए तो ये एनिमल के साथ खेल के, उनके साथ बात करके हम लोगों का जो दिन भर का जो तान तनाव है और स्ट्रेस है ये सब कम हो जाता है। इसके हमारे पास साइंटिफिक रेफरेंसेस भी अवेलेबल है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जब हम लोग घर में आते हैं और जब हमारे पेट को देखते हैं, हमारे डॉग को देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हम इम्पोर्टेंस देखेंगे पेट एनिमल का आज के लाइफ में क्या है। हम लोग तो डॉग को एज अ फ्रेंड या डॉग को एज अ कंपेनियन एनिमल कहते हैं, उसके बाद डॉग को आजकल एज अ फैमिली मेंबर का दर्जा दिया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे आपने वो एंटरटेनमेंट वाला मूवी देखा होगा, है ना, उसमें देखा है कि हमारे बच्चे या हमारा सन डॉटर ही हमारे जायदाद के हक नहीं है, तो हमारे पेट एनिमल में भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, ये पिक्चर में या फिल्मों में भी दिखाया गया है। तो मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि डॉग जो है ये आजकल एज अ फैमिली मेंबर और एंजॉयमेंट देने वाला एक मेंबर है फैमिली को। जैसे कि कोई बच्चा अपने पापा को एंजॉयमेंट देता है, कोई लड़की अपने पापा को एंजॉयमेंट देती है, वैसे घर में रखे हुए जो भी डॉग है कैट है वो हम लोगों को एंजॉयमेंट देते हैं। ये तो हो गया सोशल इम्पोर्टेंस ऑफ पेट एनिमल इन आवर लाइफ। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कोई अंधा व्यक्ति है, ब्लाइंड पीपल है, तो डॉग को रेयर किया जा रहा है आजकल के उनको गाइड करने के लिए, रोड क्रॉस करना है, ये क्रॉस करना है, तो इसके लिए ये डॉग यूज़ कर रहे हैं, यानी स्किल लेवल जैसा काम आजकल डॉग कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे और डॉग का इम्पोर्टेंस, तो आजकल आर्मी में, पुलिस में जो सर्चिंग ऑफ बॉम्ब्स वगैरह है उसके लिए भी हो जाए। विनीत जी, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले हम लोग फील्ड में काम कर रहे थे, उस टाइम में एक जंगल वाले घर की तरफ हम लोगों का विजिट था। तो जब मैं वहाँ पे विजिट में गया तो देखा कि जो वहाँ के जो फार्मर है जो घर में रहते हैं, उन्होंने उनके घर के आजू बाजू में दो तीन ऐसे कैट्स पाले हुए थे। तो दैट वॉज इट मीन्स मुझे भी ये लगा कि मैंने मेट्रो सिटी में देखा है कि लोगों ने कैट या डॉग है, लेकिन इन दोनों ये इतने कैट क्यों पाले हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये कैट आप लोगों ने क्यों रेयर किए। तो उन लोगों का कहना ऐसा था कि सर, हम जंगल में रहते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रैट स्नेक जो है उसका प्रिवेलेंस यानी आते जाते रहते हैं, तो जब ये हमारे कैट रैट स्नेक को देखते हैं तो थोड़ा सा आवाज करते हैं या ये करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि रेयरिंग ऑफ दिस एनिमल ऑल्सो हैविंग इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ ऑफ द ह्यूमन बींग। तो ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से आजकल डॉग हो गया, कैट हो गया, नाउडेज अगर हम मेट्रो सिटीज में देखेंगे तो काफी लोग टॉर्टल्स को ये कर रहे हैं, बर्ड्स में लव बर्ड्स वगैरह है, ये भी पेट एनिमल में सब आते हैं। तो ये आजकल इसका इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ। जी, डॉक्टर साहब, जैसे आपने काफी बखूबी बताया कि जो पेट्स हैं, स्पेशली डॉग्स हैं या कैट्स हैं,
उनका काफी असर होता है हमारी लाइफ में, साइकोलॉजिकली भी, और कई बार फंक्शनल यूज होता है उनका। जैसे आपने कहा पुलिस की बात की, मिलिट्री की बात की, और काफी बीमारियों में भी उनका यूज होता है। डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कि चलिए किसी ने डिसाइड कर लिया कि उसे कोई पेट लाना है, वो घर पे ला रहा है, कोई डॉग ला रहा है, या हो सकता है उसके घर पे पहले भी हो, लेकिन हम पहले बात करते हैं कोई घर पे आता है, वो पपी भी ला सकता है, वो फॉस्टर करने के लिए कुछ दिन के लिए ला सकता है, या फिर वो एडॉप्ट कर सकता है। और जब इन तीनों केसेस में पपी है या फिर कोई एडॉप्ट करता है, उसके एज का अलग अलग स्टेज हो सकता है, एक मंथ से लेके और किसी भी एज का हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ हमें बता पाए कि जो साइन ऑफ हेल्दी पेट्स क्या होते हैं, अगर हम जो 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 रेयर करने के लिए जो आदमी है, जो ला रहा है, जो पर्सन है, वो कैसे पहचाने एक हेल्दी पेट को, क्या साइंस होते हैं डॉक्टर साहब? जी विनीत जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। मैं आपको इस सवाल का जवाब थोड़ा सा अलग तरीके से देना चाहूंगा। आप लोगों को मालूम है, ह्यूमन मेडिसिन हो गया, वेटरनरी मेडिसिन हो गया, एक चीज है कि हम लोग कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। यानी इसका मतलब ऐसा है कि अगर हम किसी चीज को प्रिवेंट करते हैं तो उसका वो डिसीज हम लोगों को होगा नहीं, और हम लोग उसको ट्रीटमेंट में, हमारा हेल्थ की खराबी है उसके बाद हमारे हेल्थ ठीक होने में जो टाइम लग रहा है, तो एक स्लोगन ऐसा है हमारे पास कि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। लेकिन मैं आगे जाके ऐसा कहूंगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिसीज इज बेस्ट व्हेन कंपेयर्ड विद द प्रिवेंशन एंड व्हेन कंपेयर्ड विद द ट्रीटमेंट। तो आपके सवाल का जवाब की तरफ मैं जा रहा हूँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अर्ली डिटेक्ट करें। कोई भी जानवर बीमार है, पेट एनिमल है, डॉग है, कैट है, वो अर्ली से अर्ली, यानी मुझे पहले से जल्द पता चले कि नहीं ये एनिमल बीमार है, तो क्या होगा, मैं उसका जो पैथोजेनेसिस है या जो भी कॉम्प्लिकेशन होने वाला है उसके पहले मैं यानी बीमारी को पकड़ लूंगा, और इमिडिएटली मेरे पास अगर कुछ फर्स्ट एड किट्स है या फर्स्ट एड कुछ मेरे पास अवेलेबल है तो मैं उससे कुछ करना चाहूंगा। उसके बाद एक्सपर्ट वेट की मैं सलाह लेके या उनके क्लिनिक में जाके या जो भी हॉस्पिटल है वहां पे जाके बात करूंगा। तो हम अभी चेंज ये देख रहे हैं कि प्रिवेंशन कंट्रोल देन ट्रीटमेंट, और उसके बाद एक आ रहा है कि अर्ली डिसीज डायग्नोसिस और अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी हेल्दी एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके माध्यम से ये कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, जो कुछ पेट ओनर है जो पहली बार अपने घर पे पेट रखने की इच्छा है उनकी, या पेट रखने का डॉग है कैट है रखने की उनकी, यदि वो समझ रहे कि हमको लेना है, तो उनके लिए आज के जो डिस्कशन है वो बहुत ही काम में आएगा। इन लोगों के लिए जो पहली बार डॉग खरीदना चाहते हैं, अपने घर में रखना चाहते हैं, उन लोगों को मैं एक 8 से 10 हिंट और टिप्स दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा टेक्निकल नहीं है, ये डिस्कशन मैं पूरा जो पेट ओनर नए हैं, नया उनको डॉग रेयर करना है, उसके लिए समर्पित करना चाहता हूँ, और उनको 8 से 10 टिप ऐसे बताना चाहता हूँ कि जो अपने घर में ही रहकर देखे कि नहीं ये हेल्दी चीज है, ये डिसीज वाले चीज है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग अभी देखते हैं इम्पोर्टेंट कि जब हम किसी पेट को हमारे घर में लाते हैं, डॉग हो गया, कैट हो गया, टॉर्टाइज हो गया, तो स्पेशली डॉग में हम एक करते हैं कि उसका जनरल अपीयरेंस देखेंगे, उसको दूर से देखेंगे, उसका अपीयरेंस देखेंगे। जब हम उसको अपीयरेंस देखेंगे उस टाइम में क्या होगा कि उसका अलर्टनेस चाहिए, अलर्ट है, जब हम उसको किसी उसके नाम से बुलाएंगे तो एकदम अलर्ट दिखना चाहिए। उसके बाद उसके मसल्स एकदम प्रोपोर्शनेट होने चाहिए, नहीं तो आपने एक डॉग लाया उसका वेट है 10 केजी, लेकिन जब हम उसको देख रहे हैं तो उसका वेट 2 या 3 केजी जैसे ही लग रहा है, तो ये तो हेल्दी चीज नहीं है। तो हम लोगों की आंख, यानी घर में जो ओनर बैठे हैं उनकी आंख उसके हेल्थ के ऊपर रहनी चाहिए, जनरल अपीयरेंस के ऊपर रहनी चाहिए, जिसमें अलर्टनेस और जो गुड मसल है या प्रोपोर्शनेट मसल है उसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 पॉइंट के ऊपर और आपको बताना चाहूंगा। उसमें है जो स्किन है और स्किन कोट है, जो स्किन कोट है वो ग्लॉसी होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। आप देख रहे हैं अभी जो आपके जो डॉग एक दिख रहा है उसकी आंखें देखिए कैसे चमकदार है, उसका स्किन देखिए एकदम मुलायम है ना, और अनब्रोकन नहीं होना चाहिए। जो है अनब्रोकन होगा तो क्या होगा कि उसका कंटिन्यूटी स्किन का नहीं रहेगा, स्किन एकदम स्मूथ होनी चाहिए, और सब पहले नहीं जो बाल है स्किन के और वो एकदम कड़क नहीं होने चाहिए, एकदम मुलायम चिकने टाइप चाहिए। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो हमारा पेट है घर में हम लोगों ने रखा है ये हेल्दी है।
उसके बाद में आऊंगा वॉकिंग स्टाइल, वॉकिंग स्टाइल ऑफ द एनिमल। जब हम सवेरे वॉक को डॉग को लेके जाते हैं या घर में उसको कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, तो हम लोगों को वॉक देखना चाहिए, उसका वॉक स्मूथ होना चाहिए और एफर्टलेस होना चाहिए। ये देखिए दो चीज है, वॉक स्मूथ है और एफर्टलेस है। स्मूथ है इन द सेंस, इसका मतलब ये है कि चार पैरों के ऊपर उसने पूरा इक्वल प्रेशर डाला है, इसका मतलब चारों भी पैर इक्वली प्रेशर हैंडल कर रहे हैं। अगर किसी एक पैर में बीमारी है या कहाँ पे थोड़ी जख्म है या फ्रैक्चर है या कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा, एक पैर के जो वजन रहेगा वो तीन पैर में डिस्प्लेस हो जाएगा और उसमें एफर्टलेस वॉकिंग नहीं होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज हम लोगों ने देखनी चाहिए। उसके बाद है आईज है, नोज है और माउथ है। अब देखेंगे जो हमारे सामने पिक्चर है उसमें उसके आईज देखिए कितने चमकदार है, उसके बाद देखिए नाक उसका जो है, नोज भी कितना चमकदार है, वहां से कहां पे भी आपने को कोई सिक्रेशन नहीं दिख रहा है। एट द सेम टाइम माउथ है, माउथ से भी कोई सिक्रेशन नहीं दिख रहा है। तो ये जनरल अपीयरेंस हो गया, कोट हो गया, स्किन हो गया, चलने का स्टाइल हो गया, आंख हो गई, नाक हो गया, मुंह हो गया। ये इंपॉर्टेंट चीज हम डेली तो बैठ के देख सकते हैं, सब जो भी डॉग ओनर है उनके साथ सवेरे आधा घंटा एक घंटा खेलते हैं, तो ये सब चीज देख सकते हैं। उसके बाद विनीत जी मैं एक और चीज आपको यानी बताना चाहता हूँ, हमारे जो भी दर्शक है जो भी डॉग ओनर है उनको बताना चाहता हूँ कि एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डॉग के सामने बैठे हैं तो उसका सांस लेने की पद्धति को हम समझ सके, है ना, तो सांस लेने की पद्धति को समझ सके, इसका मतलब ऐसा है कि अभी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ। अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं मॉर्निंग में, जब हम रेस्टिंग में रहते हैं तो हमारा सांस का जो रेट है वो नॉर्मल रहता है, बराबर, और जब हम थोड़ा सा भागते हैं दौड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड होती है। तो ये क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल डिमांड, हम लोगों को हमारे यहाँ का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए हम रेस्पिरेशन रेट बढ़ाते। लेकिन हम रेस्टिंग में है और हम लोगों की सांस बढ़ी हुई है, इसका मतलब क्या है, ये डिसीज कंडीशन है और ये हम लोगों को इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ बीमारी अवेलेबल है। तो ये चीज जो है हमारे जो भी पेट ओनर है वो जो पहली बार हम अपने घर में पेट रखना चाहते हैं उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है और ये चीज उन्होंने ध्यान में देना चाहिए कि ये हेल्दी नेचर का टिप्स है। जी जी डॉक्टर साहब, काफी क्लियरली आपने समझाया हमें कि डॉग ओनर्स काफी कुछ खुद ही घर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या पेट लाते समय या फिर घर में उनकी वॉक को देख के, उनके अपेयरेंस को देख के, उनकी ब्रीदिंग स्टाइल को देख के, जैसे आपने बताया वो जान सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो हुई पहचानने की बात कि डॉग हेल्दी है उसको पहचानने की बात, लेकिन अगर डॉग हेल्दी नहीं है या वो बीमार हो रहा है, कोई डिजीज उसके अंदर पनप रही है, तो वो वार्निंग सिग्नल्स क्या होते होंगे जिसको देख के हम पहचान सकें कि मेरा डॉग जो है वो उसको फला बीमारी हो रही है और मुझे किसी वेट के पास जाना चाहिए। ठीक है विनीत जी, हम लोगों ने इसके पहले देखा कि हेल्दी सिम्टम्स क्या है या हेल्दी साइंस क्या है, टिप्स क्या है, उस हेल्दी टिप्स में और एक दो चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, उसमें है एक्ट ऑफ यूरिनेशन और एक्ट ऑफ डिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम यानी जो भी डॉग ओनर है या कैट ओनर है या लवर है उसने एक्ट ऑफ यूरिनेशन और डिफिकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसमें हम सिंपल सादी चीज देखेंगे कि जो यूरिन है उसका कलर कैसा है, जनरली नॉर्मली येलो कलर, क्लियर येलो और लाइट येलो कलर रहता है, लेकिन हम जब देख रहे हैं कि यूरिन का कलर जो है वो डार्क है या लाल कलर का है, ये इंडिकेट करता है कि नहीं उस तो बीमारी अवेलेबल है। हम देख सकते हैं कि नॉर्मल यूरिन का कलर मैंने बताया था ये क्लियर येलो रहता है, लेकिन जब पीलिया जैसी बीमारी होती है, जॉन्डिस जैसी बीमारी होती है, तो उस टाइम में क्या होता है कि कलर ऑफ यूरिन जो है एकदम गाढ़ा यानी डार्क येलो बन जाता है। और उसके बाद अगर कोई हीमोप्रोटोजोन डिसीज है उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन यूरिया है या हिमैचूरिया है, उस कंडीशन में हम लोगों को ये है कि उसका कलर जो है वो लाल आता है। तो हम सवेरे जब वॉक को लेके जा रहे हैं डॉग को, उस टाइम में जस्ट यूरिन का कलर देखें कि कलर कैसा है, अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा इसका कलर येलो है तो ये डिसीज के लक्षण हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर उसका कलर कुछ
यानी लाल कलर का है ये है, तो ये भी डिसीज के लक्षण हो सकते हैं उसमें। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा डिफिकेशन, एक्ट ऑफ डिफिकेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हम स्टूल सैंपल देखेंगे हमारे पेट एनिमल का, जब भी सवेर हम वॉक को लेके जाते हैं तो स्टूल होता है, तो स्टूल ये पूरा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, वेल फॉर्म होना चाहिए, और रेगुलरली स्टूल सैंपल उसने यदि पास करना चाहिए। हम देख सकते हैं अभी जो स्लाइड है उसमें स्टूल सैंपल है, और स्टूल सैंपल में हम देख रहे हैं कि खून आया हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ बीमारी तो शुरू नहीं हुई है। तो ये हम लोगों को पता चलेगा कि नहीं, जब मैं डेली मेरा स्टूल सैंपल देखता हूँ एनिमल का, या मेरे पेट का, या डॉग का, या कैट का, मुझे पता चला है कि फुल फॉर्म स्टूल है, और आज जब देख रहा हूँ तो पतला यानी स्टूल आ रहा है और उसमें ब्लड मिक्स है, तो ये इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मिटी है। और उसके बाद देख सकते हैं वर्म लोड, वर्म लोड भी काफी वर्म्स ऐसे हैं जो हम लोगों को यदि स्टूल सैंपल में मिलते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि हम लोगों को अभी डीवर्मिंग देना चाहिए, या शेड्यूल डीवर्मिंग हम लोग भूल तो नहीं गए हैं, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये आप वहां पे कर सकते हैं। उसके बाद कुछ वार्निंग साइंस आप बोल रहे थे, तो वार्निंग जी साइंस के ऊपर यानी जो बिहेवियरल चेंजेस है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा, क्योंकि बिहेवियरल चेंजेस, ये देखिए, बिहेवियर ऑफ एनिमल रेयर्ड एट होम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंट फॉर ओनर टू आइडेंटिफाई द डिसीज। ये हमारे वेटरनरी में एनिमल या पेट जानवरों के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये तो हमारे ह्यूमन में भी अप्लीकेबल है। बिहेवियरल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि सवेरे हम लोग उठे हैं, हमारे पास हमारा खुद का पेट है, डॉग है, तो हम सवेरे जब भी उसको बुलाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल किसी डॉग का नाम टाइसन है, हम उसको बोलते हैं टाइसन कम ही है, तो टाइसन क्या एकदम खुश होकर आ जाता है उसके ओनर के पास। लेकिन अगर बीमारी के कुछ लक्षण है तो टाइसन लिथार्जी हो जाएगा, हम बुला रहे हैं वो आपके तरफ ध्यान नहीं देगा, तो इसका मतलब है कि कुछ बीमारी के लक्षण शुरू हो गए। उसके बाद मैं दो या तीन टिप्स हमारे जो डॉग ओनर है जो पहली बार डॉग अपने घर पे रेयर करना चाहते हैं उनको बताऊंगा। एक है रिस्पॉन्स टू साउंड। रिस्पॉन्स टू साउंड क्या है, एक सिंपल टेक्निक है। इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने पेट का नाम बताया टाइसन, हम टाइसन को बुलाएंगे, है ना, टाइसन कम हियर। अगर हम टाइसन को बुला रहे हैं और टाइसन आ रहा है, यानी आपका रिस्पॉन्स है उसके तरफ, आपके साउंड के तरफ, उसको मालूम है जब मुझे टाइसन मेरे यानी ओनर ने बोला है तो मुझे वहां पे जाना है, लेकिन वो अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है उसको, तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि डिसीज की कोई शुरुआत है या कोई एबनॉर्मिटी है। उसके बाद है रिस्पॉन्स टू फूड एंड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए हम कैट देखते हैं, कैट को सबसे अच्छा क्या लगता है, फिश अच्छा लगता है, आपने देखा होगा, है ना। जैसे अगर हम उसको फिश देंगे तो एकदम आपके पास आ जाएंगे, वो कैट आपकी दोस्त ही हो जाएंगे, तो हमको मालूम है जब उसको भूख लगी है या जब हम लोग फिश उसको ऑफर करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स है वो खाने के लिए आएंगे आपके तरफ। लेकिन हम उसको फिश दे रहे हैं लेकिन वो उसके तरफ देख भी नहीं रही है, तो उसके दो ही चीज हो सकते हैं, एक तो उसका पेट भरा हुआ है या उस डिसीज के लक्षण है। तो हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है कि सही में पेट भरा हुआ है कि कुछ डिसीज के लक्षण है। तो ये काफी छोटे छोटे टिप्स है, ये हम लोग अगर डेली घर में भी यूज करते हैं तो हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि नहीं, मेरा जो पेट एनिमल मैंने घर में रखा है वो डिसीज है या अभी हेल्दी है। उसके जी पास है एक लेस इंटरेस्ट टू एक्सरसाइज, एक लेकिन ये क्या है, एक्सरसाइज हम सवेरे और मॉर्निंग वॉक में उसको साथ में लेके जाएंगे, या सवेरे काफी काफी लोगों को मैंने देखा है कि टेबल टेनिस खेलते हैं या वॉलीबॉल खेलते हैं तो वो डॉग को लेके जाते हैं, डॉग इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दैट गेम, वो भी उनके साथ खेलने की कोशिश करता है, एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बीमार है आप खेल रहे तो वो आपके रिस्पॉन्स की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अभी और एक दो टिप्स मैं देना चाहूंगा, असेसमेंट ऑफ वॉक और गेट एंड पोस्चर। इसमें क्या होता है, हम डॉग को बोलेंगे कि थोड़ा चलो, एक 5 या 10 फीट हम चलाएंगे उसको हाथ में लेके, या हमारे समझो मेरे घर पे डॉग है तो मैं मेरे मिसेस को या मेरे वाइफ को बोलूंगा कि आप थोड़ा सा उसको चला के लाओ, जब हम उसको देखेंगे तो उसको जो चलने का ये है इक्वली बैलेंस चलना होना चाहिए, वो चलते समय लिंपिंग नहीं होना चाहिए, सब प्रेशर ठीक ठाक उसने सब इसमें देना। और जब हम इसको देख रहे हैं उसका गेट और पोस्चर एसेस कर रहे हैं उस टाइम में कहाँ पे भी स्वेलिंग है नहीं है क्या है, ये सब चीज हम यानी वहां पे ये करना चाहिए। आप देख सकते हैं जो स्लाइड है उसमें जो
राइट साइड का जो पॉ है या राइट साइड का जो पैर है उसमें थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी है, जब वो पेशेंट चल रहा है या डॉग चल रहा है तो उसका गेट क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल, क्योंकि आगे वाले पैर में डैमेज है तो आगे वाला प्रेशर तीन पैर में डिसिपेट हो जाएगा, तो एफर्टलेस वॉकिंग वहां पे नहीं होगी, उसको कुछ तो भी एफर्ट करना पड़ेगा चलने के लिए। तो ये सिंपल कुछ टिप्स है जहाँ पे हमारे पेट ओनर या डॉग ओनर उसका यूज कर सकते हैं वार्निंग साइन और हेल्दी साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल को असेस करने के लिए। जी जी डॉक्टर साहब जी, कुछ और भी अगर आपके पास डॉक्टर साहब कुछ हो अगर सीक्वेंस में तो आप जरूर बताते चलिएगा। मैंने जो हेल्दी साइंस है उसमें चेंज इन वाटर इनटेक बताया था, चेंज इन यूरिन इनटेक है, चेंज इन डिफिकेशन है, उसके बाद ओमिटिंग वगैरह कुछ है क्या, इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। यूरिनेशन और डिफिकेशन के बारे में मैं और कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको कलर और कंसिस्टेंसी ऑफ यूरिन और फिकल सैंपल के बारे में बताया था, लेकिन हम यूरिन और डिफिकेशन में एक देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितना है। फॉर एग्जाम्पल, सवेरे हम मॉर्निंग वॉक को लेके जा रहे, उस बार एक डिफिकेशन होता है, आफ्टरनून में एक आधा डिफिकेशन होता है, शाम को 6-7 बजे या रात में। हम मान लेते हैं जैसे कि आज कि एक पेट एनिमल का हमारे घर में 3 या 4 बार डिफिकेशन होता है, ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज हमारा जो भी टाइसन है या जो भी हमारा डॉग है उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गया नहीं, 7 बार 8 बार 9 बार ये है, तो ये फ्रीक्वेंसी इंडिकेट करता है कि कुछ एबनॉर्मलिटी है क्या। तो हम घर में कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने कुछ कल रात को ज्यादा कुछ खाने के लिए दिया था क्या, कि ऐसा खाना हम हमारे पेट को दिया है कि उसमें डाइजेस्ट करने के इटमीन अनडाइजेस्टेबल थिंग्स हो गया, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है क्या। उसके बाद हम देख सकते हैं कलर, देख सकते हैं कॉन्स्टिपेशन और अनेबल टू पास द स्टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेबल टू पास द स्टूल और अनेबल टू पास द यूरिन, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमको मालूम है दिन में 4 या 5 बार यूरिनेशन हो रहा है, दिन में 4 या 5 बार डिफिकेशन हो रहा है, लेकिन आज पता चला कि मैं घर में हूं दिन भर, मेरे एनिमल में मेरे टाइसन ने सवेरे से ना ही यूरिन किया है ना ही डिफिकेशन किया है, दीज आर द वार्निंग साइन। तो ऐसे इसमें आप देखना चाहिए, जैसे अगर यूरोलेथेसिस के केस है उसमें स्टॉप हो जाता है यूरिनेशन या ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिनेशन होते हैं, तो ये सब चीज जो है ये पेट ओनर ने कंसिडर करने चाहिए कि ये चीजों का अगर मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, मैं मेरे पास रिकॉर्ड रखूंगा, तो अगर जब भी मैं किसी वेट के पास इस पेशेंट को लेके जाऊंगा तो मुझे यानी इमिडिएटली, क्योंकि पेशेंट ये देखिए जब वेटरनरियन कोई ट्रीटमेंट करता है या उसके पास जब पेट आता है तो हमारे यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, हिस्ट्री लूंगा, तो हिस्ट्री मुझे अच्छी मिलनी है तो पेट ओनर का रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर पेट ओनर का रिकॉर्डिंग अगर अच्छा है तो वो इंफॉर्मेशन मुझे अच्छे से सजेस्ट करेंगे और मैं अच्छा से डायग्नोस करके अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाऊंगा जी। उसके बाद तो विनीत जी कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हम लोग जनरल इंस्पेक्शन में आंख देख सकते हैं, ठीक है, आंख जो है हम लोगों ने हेल्दी वाला जो पेट का स्लाइड देखा था, डॉग का स्लाइड या पपी का स्लाइड देखा था, उसने देखा कि उसकी आंख जो है एकदम चमकदार थी, लेकिन अभी हम ये पेट की यानी ये डॉग का आंख देख सकते हैं, उससे जो है थोड़ा सा डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है इलनेस, दिस इज द वार्निंग साइन, है ना। पहला वाला जो पेट देखा उसमें हम लोगों ने देखा है कि एकदम चमकदार आंखें है, और अभी हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है और ये वार्निंग साइन ऑफ द डिसीज है। ये एक आप और एक स्लाइड देख सकते हैं, इसमें है कि आप आग देख रहे हैं, पीला है पूरा, येलो कलरेशन ऑफ द आई, ये इंडिकेट करता है कि जॉन्डिस है क्या, तो जॉन्डिस है या आपको अगर ये है तो जॉन्डिस में मैंने इसके पहले भी बताया कि आपका जो कलर ऑफ द यूरिन है पेट एनिमल का वो भी येलो होना चाहिए एट द सेम टाइम, ये अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो दिस इंडिकेट कि ये एबनॉर्मल साइन है और ये वार्निंग साइन है जी। ठीक है जी विनीत जी, आजकल आप देख रहे हैं कि कफिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी चीज मानी जा रही है, आजकल का आप सिनारियो देख रहे हैं, पैंडेमिक सिनारियो एंड अदर थिंग, है ना, जैसे कि कुछ लोग मजाक में भी आजकल बोल रहे हैं कि यानी पहले कोई छींकता था तो उसको बोलते थे कि नहीं नहीं आपको किसी ने याद किया है, लेकिन आज बोल रहे हैं अगर
कोई छींकता है तो उसको बोलते कि नहीं, ये किसी डिसीज के तो लक्षण नहीं है ना, ये किसी डिसीज के तो लक्षण नहीं है ना, तो ये है, तो ये हमारे एनिमल में भी यानी अप्लीकेबल हो सकता है, ये वार्निंग साइन है। अगर कफिंग है या रेस्ट, ये कफिंग मैक्सिमली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर, मैं टेक्निकली ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा आज, मैं जो भी हमारे पेट ओनर है जो पहली बार यानी हम घर पे रखना चाहते हैं पेट या डॉग या कैट, उनके लिए ये करना चाहता हूँ, जी क्योंकि कफिंग है, टेक्निकल चीजें काफी है, तो टेक्निकल चीजें हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट बोलेंगे कफिंग है तो ये इंडिकेशन है कि कुछ लंग का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कुछ इश्यू है। ठीक, जी जी डॉक्टर साहब, बीच में या अगला अगली फोटो हमने डाली है जिसपे आप बात करने वाले हैं, बीच में रोकते हुए डॉक्टर साहब, मैं जो देखने वाले लोग हैं उनसे बस कहूंगा कि अगर कोई सवाल है तो आप पूछिएगा जरूर, आपके पास बिल्कुल बिल्कुल सवाल पूछा भी है तो हम एंड में जब हम डॉक्टर साहब से विदा लेने से पहले आपके सवाल जरूर लेंगे हम। जी डॉक्टर साहब कुछ बोल रहे थे। हाँ, अभी जो स्लाइड है ये टिक इन्फेक्शन की है, जैसे मैंने स्किन के बारे में या स्किन कोट के बारे में बताया था, ये है ईयर पिन्ना, जो कान है वहां पे पैरासाइट है, और ये टिक बोर इन्फेक्शन आजकल कैनन प्रैक्टिस में काफी चैलेंजिंग है हम वेटरनरियन को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो अगर ये देखो, ये तो यानी हम लोग काउंट कर, तो ये इंडिकेट करता है, ये क्या दो टीक भी अपने यहाँ पे है, तो आप इमिडिएटली प्रिकॉशन ले लीजिए, उसको निकाल दीजिए या जो भी एंटीट्रिक ट्रीटमेंट है वो कर लीजिए। तो क्या होगा, टीक से होने वाले जो भी बीमारियां है उससे आपका पेट और आपका डॉग या आपकी कैट बच सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टिक्स या कुछ भी बॉडी के ऊपर पैरासाइट नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर हम काम करने चाहिए। जी विनीत जी, हमारे एक्सपीरियंस में काफी एक दो चीज मैंने देखा है, जैसे कि माल फंक्शन है यानी एबनॉर्मेलिटी है किसी जानवर में, स्पेशली देखिए अभी डॉग में हम लोग देखते हैं कि यानी फोर लेग्स आर देयर, अगर समझो सामने वाला पैर नहीं है लेफ्ट या राइट, तो क्या होता है, तीन पैर के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है, तो बहुत बार ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है जो पेट एनिमल है, और वो क्या है पूरा मुंह के ऊपर गिरता है, तो मुंह के ऊपर गिरने के बाद क्या होता है, उसका जो नीचे का पार्ट है मुंह में वो कंटिन्यूअस जमीन के ऊपर लग लग के उसके चीन के जो है उसका चीन पोर्शन या वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। तो पेट ओनर ने ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे पास डॉग है लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कोई यानी माल माल फॉर्मेशन है, एबनॉर्मेलिटी है, तो इसके वजह से क्या है कि बहुत बार चीन के नीचे कंटिन्यूस गिरते गिरने के वजह से उसको जख्म हो सकती है, तो हम वहां पे एक प्रिकॉशन ले सकते हैं कि वो जो चीज है जो कंटिन्यूस जमीन में टच हो रही है उसको थोड़ा स्मूथ कुछ लगा सकते हैं या ये कर, तो क्या वो अगर नीचे भी कभी टच हो जाता है या जोर से गिरता है तो ज्यादा डैमेज न होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें हम यानी घर में कर सकते हैं, और उसका हम अच्छा उपयोग करके जो छोटी छोटी माल फॉर्मेशन की वजह से जो यानी एबनॉर्मेलिटी हम लोगों को प्रोग्रेस हो रही है उसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो इमेज हम जी दिखा रहे हैं इसको देख के मुझे सवाल ये दिमाग में आ रहा है कि डॉक्टर साहब ये जो डॉग है ये बेसिकली खुजली कर रहा है हमारे घर, और हमने अक्सर देखा है डॉक्टर साहब की जैसे टिक्स की प्रॉब्लम आपने पहले बताई, तो टिक्स और फ्लीज के लिए हम जो भी उपाय होते हैं, मेडिसिन होते हैं या हम डालते हैं, ध्यान देते हैं, फिर भी हम देखते हैं डॉक्टर साहब कि एक दिन दो दिन पे के इंटरवल पे कभी वो खूब सर में खुजली करते हुए, और पेट ओनर्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो काफी परेशान हो जाते हैं, फिर कभी खोजने लगते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं है, तो क्या ये भी कोई साइन है जिससे वो अलर्ट होना चाहिए कि आपके पेट के अंदर कोई टिक्स या फ्ली का कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई दूसरी एलर्जी हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ये अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स है, आप जो देख रहे हैं ना जी जो इमेज स्क्रीन पे, ये देखिए वो इमेज देखते ही हम लोगों को इंस्पेक्शन में, मैं जी अगर पेट ओनर हूँ या मैं पेट पेरेंट हूँ, मैं अगर मेरे पेट को ऐसा देखता हूँ तो मुझ में इमिडिएटली मुझे समझ में आता है कि अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स है, ये प्लेजेंट रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं है, नहीं अनप्लेजेंट। तो बहुत बार फूड एलर्जी है, मेन इन्फेक्शन है, इसके वजह से पूरा एलर्जिक डर्मेटाइटिस टाइप डेवलप हो जाता है, और उसके बाद इसके वजह से क्या हो सकता है, कंटिन्यूस खुजली होती है, तो खुजली जो है हमारे पास तो हाथ है, हम हाथ से खुजली कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है पेट एनिमल जो भी एसेसिबल उनका पैर वो जगह पे जाता है
वहां पे वो लोग खुजली करते हैं। लेकिन ये एग्जाम्पल है, वार्निंग साइन है डिसीज का, इसको हम कहते हैं कि यानी अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स, ये प्लेजेंट रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये वार्निंग साइन है डिसीज का। बहुत अच्छा सवाल पूछा विनीत जी आपने। जी 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 डॉक्टर साहब, दूसरे भी स्किन डिजीज जैसे दिखा रहा हूँ, हमने इमेज डाला है, अभी देखा होगा आपने, जिसमें रेड हो रखी है डॉक्टर साहब, ये भी हम कई बार देखने को मिलता है हमें, ये क्या चीज है? ये फूड एलर्जी है, ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट एलर्जी, ये भी वार्निंग साइन है डिसीज का। अगर एलर्जिक डर्मेटाइटिस है, यानी पेट, पेरेंट्स को यही बताना चाहता हूँ कि कुछ एक्सपीरियंस आजकल हो रहा है कि किसी को किसी फूड का एलर्जी है, कुछ एक्स वाई जेड फूड हम दे रहे हैं जी और वो फूड के वजह से या ऐसे रैशेस बॉडी के ऊपर आ रहे हैं, ये इंडिकेट करता है कि फूड एलर्जी। तो ऐसे इसमें मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा फूड चेंज करके देखिए, उसमें कुछ फर्क होता है कि नहीं। लेकिन ये जो है, ये भी वार्निंग साइन है, दिस इज रिलेटेड विथ पैरासिटिक एंड एलर्जिक डर्मेटाइटिस, और जो एलर्जी है उसके वजह से ही होता है। जी डॉक्टर साहब, एक दूसरी फोटो हमने अभी स्क्रीन पे डाली है, जिसमें उसके पैर पे, हाँ, ये डर्मेटाइटिस ही है, ये डर्मेटाइटिस है, ये मेंज इन्फेक्शन है, जनरली डिमोडेक्टिक मेंज है, डीपली बरोइंग मेंज है, ये मेंज के वजह से ये एबनॉर्मेलिटी दिखती है। तो आप अगर ऐसे ये देखिए, ये तो काफी क्रॉनिक है, यानी काफी यानी फैला हुआ बीमारी है। इसका अगर हम लोगों को, यानी जो भी पेट पेरेंट्स है, वो अगर एकदम इमिडिएटली देखते, इनिशियल स्टेज में देखते, जो कि आज का हमारे लेक्चर का प्रावधान ही वही है कि अर्ली साइन हम डिटेक्ट करेंगे। जैसे कि एक अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स वाला हम लोगों ने देखा है, या अनप्लेजेंट रिस्पॉन्स वाला जैसे डॉग्स आपको दिखते हैं, तो इमिडिएटली आप उसका ट्रीटमेंट करने, यानी जो भी आपका नजदीक वाला वेट है या जो भी क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर है, उनके पास जाके उसका यानी डायग्नोसिस करके दवाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये काफी डिलेड हो गया है, ये भी काफी डिलेड है, ये भी जो स्लाइड आप बता रहे हैं, ये भी डर्मेटाइटिस है, यानी स्किन का एबनॉर्मिटी है। तो बहुत बार ऐसा है कि एक डिसीज है हाइपोथायरायडिज्म, जिसमें जो टेल है, पूछ है, ये रैट टेल अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ इनिशियल सिम्टम्स हम लोगों को देख रहे हैं, तो हम जो भी क्वालिफाइड वेट है उसके पास जाके उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी 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 डॉक्टर, डॉक्टर साहब मैं आपको एक बीच में एक बार रुकूंगा। कई बार हमने ये भी देखा है डॉक्टर साहब कि जैसे एक हमने बीच में एक जो इमेज डाली थी, जिसमें उसके पंजों में जो इन्फेक्शन हो रखा था, और डॉक्टर साहब पीछे हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट भी आए थे जिनका जो डॉग है वो खुद अपने हाथ को काट रहा होता है। उनकी शिकायत ही होती है कि वो बैठे बैठे अपने उसको बहुत लिक कर रहा है, और लिक करते करते उसने उसमें वूंड क्रिएट कर दिया है। तो होती है कि कई बार वो शुरुआत दिखता है ये, जिसमें वो डॉग को लिक करता है। जी हाँ, ये है, ये जो लीक करने वाली बीमारी है उसको एक्रेलिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, वो थोड़ी सी अलग बीमारी है। और ये जो फोटो आपने बताया है, जी, ये फोटो है, ये पैरासिटिक जो है डीपली बरोइंग मेंज वगैरह जो है इसकी वजह से। लेकिन मैंने जैसे पहले ही बताया, ये काफी डिलेड वाला केस है, काफी इसमें यानी घाव जो है काफी बड़ा है। लेकिन इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि लीकिंग वाले सिम्टम जो है वो सिम्टम्स अवेलेबल रह सकते हैं ये पेशेंट में। जी ठीक है डॉक्टर साहब, जो अभी तक आपने बातें बताई वो बातें थी जिसमें जो पेट ओनर है, जो पेट पेरेंट्स हैं, जो या तो नया पपी या कोई किसी भी एज का कोई भी डॉग घर पे लाना चाहते हैं, तो वो कैसे पहचान सकते हैं कि उनका जो पेट ला रहे हैं वो हेल्दी है, या घर में अगर उनके पास है तो उसको जो वार्निंग साइंस है वो क्या हो सकते हैं? आपने बताया, लेकिन डॉक्टर साहब ऐसी भी चीजें हैं जिसमें कई बार जो पेट ओनर्स हैं उनकी जो नॉलेज है वो काफी लिमिटेड है, और जो कुछ वो डिटेक्ट नहीं कर पाते होंगे, जिसमें आपकी जरूरत पड़ेगी डॉक्टर साहब, ऐसे ही कुछ केसेस के बारे में अगर आप कुछ बताएं। हाँ, ये तो प्राइमरी चीज है, बताइए, जो भी आज हम लोगों ने चर्चा की है ये प्राइमरी चीज है। लेकिन कुछ कुछ डिसीजेस ऐसे हैं, जैसे असाइटिस, असाइटिस में क्या हो जाता है कि पेट जो है ये फूलता है ना, जैसे हम जो जिसका एज है ह्यूमन में 40-45 साल के ऊपर, उसको बोलते हैं कि उसका पेट निकल गया है ना, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जो भी है। तो ऐसा डॉग में भी होता है, लेकिन इट इज नॉट रिलेटेड एज लाइक ह्यूमन बींग विद द एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, ओके। तो न्यूट्रिशनल रिलेटेड भी असाइटिस के केसेस आते हैं। इसमें क्या होता है कि दिन ब दिन, एक दिन में पेट नहीं फूलेगा, एक टाइम लेगा, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना टाइम लेगा, और ग्रेजुअली उसका बेली जो है वो बेली बढ़ेगा। तो असाइटिस में ये सब चीजें होती है, और असाइटिस के जो इटोलॉजिकल है
प्रोटीन डिफिशियंसी या हाइपोप्रोटीनिमिया एंड अदर थिंग, वो टेक्निकल चीजें हमें पेट ओनर के यानी बताने के बजाय उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर ग्रेजुअली है 8 दिन 15 दिन तो एसाइटिस है उसको आप जो भी डॉक्टर उनके लेके जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा है हम बक्कल म्यूकोसा एग्जामिनेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट है, हम घर के घर में अगर आपका पेट कोऑपरेटिव है तो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो पहला वाला है ऊपर का, उसका जो है एकदम यानी कहाँ पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, अल्सर्स नहीं है, एकदम चमकदार दिख रहा है, लाल कलर का दिख रहा है। लेकिन जब हम नीचे का देखेंगे जो लाल कलर है उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, ये इंडिकेट है कि मुंह में छाले गिरे हुए हैं। तो बहुत बार है अगर बहुत गर्म वाला खाना हम खाने को दे दें और वो जल्दबाजी में खाने में कभी कभी ये जो पूरे मुंह में छाले गिरना, ये गिरना ये इम्पोर्टेंट है। आपने अच्छा बताया विनीत जी की ये दो चीजें हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा जी, जो पेट ओनर है ये इन लोगों ने देखना चाहिए कि जो सलाइवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइवेशन कभी कभी क्या होता है कि जो हेल्दी एनिमल है उसके मुंह से कोई भी सलाइवा वगैरह नहीं रहता है, लेकिन कुछ डिसीजेस है जैसे स्टोमेटाइटिस, रेबीज, ऐसे डिसीजेस में क्या है, स्टोमेटाइटिस में हो सकता है आपको फ्रोदी सलाइवेशन मिले, उसके बाद रेबीज में देख सकते हैं आप, रेबीज में आपको रोपी सलाइवेशन मिले या यानी सलाइवेशन रहेगा। सलाइवेशन में क्या, अगर कंटिन्यू सलाइवेशन रहेगा तो ये भी डिसीज के वार्निंग साइन है। और मैं तो विशेष हमारे पेट ओनर को बताना चाहूंगा कि रेबीज एक ऐसा डिसीज है, अगर उसमें अगर यानी किसी डॉग को हो जाता है तो उसमें ट्रीटमेंट फिलहाल तो कोई अवेलेबल नहीं है, है ना, अगर पेशेंट रेबीज के सिम्टम्स दिखाता है तो इसके लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए हम जो भी रिकमेंडेड वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल है उसको इम्प्लीमेंट करना ठीक रहे। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जैसे आपने, चूंकि हमने ये जो सेशन आपको इसलिए रखा है ताकि जो पेट ओनर्स हैं और उनको आप बता सके, बुझा सके कि बहुत ही इजी टर्म्स में, ज्यादा टेक्निकल नहीं होते हुए, कि कैसे अर्ली साइंस और सिग्नल्स क्या होते हैं हेल्दी पेट के, या जो उनके वार्निंग सिग्नल्स क्या हो सकते हैं जिसे वो पहचान सके। डॉक्टर साहब इस सिचुएशन पे आके हम एक और टॉपिक जो आपसे जिसपे बात करना चाहेंगे, जिसका जिक्र भी आपने किया शुरुआत में, आपने एक फर्स्ट एड किट की बात की। डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल, जैसे घरों में हमारे डॉक्टर साहब हम अपना फर्स्ट एड किट रखते हैं जिसमें हम जो मेडिसिन रखते हैं बुखार के लिए या सर्दी जुकाम के लिए, जो छोटी छोटी मेडिसिन बैंडेड किट्स रखते हैं, ये सब चीज अपने रखते हैं, तो क्या फर्स्ट एड किट हो सकता है एनिमल्स के लिए? जी बिल्कुल विनीत जी, बहुत अच्छा सवाल, क्योंकि क्या है आजकल पेट ओनर में डॉग रेयरिंग और पेट ओनर काफी एजुकेटेड भी हो गए, तो क्या है घर में जैसे स्किन इन्फेक्शन के बारे में बताया मैंने, तो रेगुलर कोम्बिंग है ये करना चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट एड किट है उसमें सीजर होनी चाहिए, उसके बाद अगर कुछ यानी आंख में या कान में कुछ ऐसा मैला टाइप कुछ है या उसमें कुछ एब्नॉर्मलिटी, तो उसको निकालने के लिए जो है, तो ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं उसमें, यानी कॉमन कुछ टेप रख सकते हैं हम, जो हम लोगों का ह्यूमन का फर्स्ट एड किट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पेट ओनर को कि नहीं आप एंटीबायोटिक का 100 ml का बॉटल रखो, इसका 100 ml का बॉटल रखो, नहीं, फर्स्ट एड किट में ये है कि थोड़ा सा भी अगर हमको वार्निंग साइन दिखाई दे रहे हैं तो ये हमारे पास का फर्स्ट एड किट जो है ये काम आए कि हम जो रेफरिंग वेटरनरियन के पास जाने वाले हैं उसके पहले थोड़ा सा एनिमल को हेल्प करे, उसका पेन कम करे या उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल करे, इसका फर्स्ट एड किट में। और आजकल ये काफी ट्रेंड चल रहा है, यानी मेट्रो सिटी जो है वहाँ के जितने भी पेट ओनर है ये उनके घर पे एक फर्स्ट एड किट रख रहे हैं, एट द सेम टाइम उनके पास सब रिकॉर्ड है, पेट एनिमल के रिकॉर्ड है, कहाँ से लिया है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्टेटस ऑफ वैक्सीनेशन किया है, जो भी उनके यानी कॉरपोरेशन जो भी रहेगा रेजिडेंशियल कॉरपोरेशन और सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशन के जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होंगे वो भी आप साथ में रख सकते हैं। तो फर्स्ट एड किट मैं सजेस्ट करूंगा कि हर एक पेट ओनर अपने घर पे रखे। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हम लोग बात के करीब करीब आखिरी पड़ाव पे हैं और मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि ऐसा कुछ है जो मैं नहीं पूछ पाया जो आप बताना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जो बात कोई रह गई हो पूछने से, जो डॉग जो ओनर्स हैं पेरेंट्स हैं उनको पता होनी चाहिए,
आप जरूर बताइएगा। फिर हम कुछ सवाल आए हैं हमारे पास व्यूअर्स के, प्रिया अरोरा है उन्होंने कुछ पूछा है, और एक किरण चौधरी का कोई सवाल आया है, वो सवाल भी लेंगे डॉक्टर साहब। पहले अगर कोई चीज जो पूछने से रह गई हो जो इम्पोर्टेंट है प्लीज। नहीं विनीत जी, मैं आपके माध्यम से सब पेट ओनर को यही यानी जो कुछ हिंट्स मैंने दिए हैं, 8 से 10 हिंट्स है, आप अगर डेली 8 से 10 हिंट का डेली यूज करेंगे और उसका रिकॉर्डिंग रखेंगे, तो मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूं कि हम लोग किसी भी बीमारी का अर्ली से अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बताया था प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट, लेकिन मैं तो कहूंगा अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज इज बेस्ट देन दैट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो सभी यदि पेट ओनर्स को मेरा रिक्वेस्ट यही है कि ये जो 8 या 10 हिंट पॉइंट, ये सिंपल है, इसके लिए कोई आपको खर्चा नहीं है कि जाना है कोई सिरिंज लाना है, ये करना है किसी को ये, लेकिन घर के घर बैठते हम लोग ये कर सकते हैं। तो यही चीज मैं सब हमारे इन दर्शकों को या सब हमारे जो पेट पेरेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूँ। जी, ठीक है डॉक्टर साहब। एक सवाल लेता हूं मैं, एक सवाल है प्रिया अरोरा वर्मा ने पूछा है, लाइव हमें देख रही हैं उनका। सर माय पग ऑलवेज वॉमिट्स आफ्टर हैविंग डाइल्यूटेड मिल्क विद प्रॉपर वाटर प्रॉपरली बॉयल्ड। सो वो बॉयल करके प्रॉपरली वाटर और मिल्क में डाइल्यूट करती हैं, डालती हैं, फिर भी वो वॉमिट करता है। जी डॉक्टर साहब। नहीं अभी कैसे है, मैं तो उनको पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हर दैट शी हैज मीन्स फाइंड दिस प्लेटफॉर्म एज द प्लेटफॉर्म टू रेज सम क्वेश्चन और आस्क सम क्वेश्चन। यह है कि उनका कहना यह है कि दूध दे रहे हैं गर्म वाला और दूध देने के बाद ओमिशन आ रहा है, ठीक है, तो दूध कितना, इसमें अभी कुछ कुछ जो है टेक्निकल चीजें यदि मालूम रहनी काफी जरूरी है कि दूध कितना दे रहे हैं। बहुत बार क्या होता है दूध देने के बाद वोमिट हो रहा है, तो एसिडिटी का कुछ चांस है क्या इसमें। मैं एक सिंपल चीज उनको सजेस्ट करना चाहूंगा, लेकिन मैंने पेट को देखा नहीं है, उसका कुछ सिम्टम स्टडी नहीं किया है, एक रफली मेरे विचार से कुछ मैं ट्रीटमेंट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये आप कर सकते हैं। इसमें यह है कि थोड़ा सा अगर एसिडिटी के जनरली ह्यूमन मेडिसिन में है कि खाने के बाद वोमिट हो रहा है, तो ये सिम्टम्स यहाँ पे कोरिलेट हो रहे हैं, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि पहले थोड़ा सा जेलोसिलिया एंटासिड लिक्विड थोड़ा सा ये करें, और आफ्टर दैट आधे घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद थोड़ा सा दूध पिला के देखें, तो ये इंडिकेट करेगा कि हाइपर एसिडिटी की वजह से ये हो रहा है। अगर ये नहीं है तो मुझे उसके पूरे सिम्टम्स और डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, और उसके बाद में उसके ऊपर कुछ आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकता हूँ विनीत जी। डॉक्टर साहब क्या लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हो सकता है? हो सकता है लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो सकता है, वॉमिट लेकिन वो जी। सिर्फ इतना हिस्ट्री से उसके ऊपर कोई बस जजमेंट देना या ट्रीटमेंट देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। उन्होंने उन्होंने ही दूसरा एक सवाल पूछा है डॉक्टर साहब, उसी के कंटिन्यूएशन में उसको भी ले लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि हिज हेयर ऑल्सो हिज हेयर इज ऑल्सो शेडिंग अ लॉट एंड वी हैव गॉन थ्रू सम टेस्ट, द टेस्ट आर ऑल नॉर्मल। क्या क्या टेस्ट है, टेस्ट के नाम है उनके नहीं, उन्होंने टेस्ट कराया था तो हेयर शेडिंग हो रही है, एंड ही यूरिनेट एज वेल। टेस्ट और ओके ऑल नहीं व्हाट एवर अच्छा, टेस्ट, उसका उम्र एज बताया पेट का एज। नहीं, एज नहीं। अगर अगर आप प्रिया जी सुन रही हो तो आप एज लिखिएगा, फिर हम डॉक्टर साहब से सवाल लेंगे। डॉक्टर साहब दूसरा सवाल लेते हैं, अगर सुन रही होंगी तो फिर हम इसको लास्ट में लेंगे, अगर नहीं लिखती है तो। ठीक किरण चौधरी ने पूछा डॉक्टर साहब कि मेरे डॉग के मुंह से बदबू आती है। ठीक जी है, तो यह है कि डेंटल टार्टर और डेंटल जो है आजकल काफी रिसर्च या संशोधन चल रहा है डेंटल टार्टर और इसके ऊपर, तो यह है अगर टार्टर है या जैसे हमारे ह्यूमन में भी देखा जाता है दांत में पीला होना, यह है अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स या दांत का अगर इश्यू है तो इसके वजह से भी ये हो सकता है। दूसरा इन्होंने बताया है कि मुंह से बदबू आती है, बहुत बार रिनल फेलियर के केसेस है, किडनी काम नहीं कर रही है ना, तो यूरिया के केसेस में भी काफी बार बदबू आता है, तो वो देखना पड़ेगा। ये है आज जो है विदिश में प्राइमरी चीजें बताना चाह रहा हूँ, जी तो ये चीजें जो है काफी यदि अगर कुछ ये फोरम पे बताना है तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन लगेगा, उसके बाद ही बिल्कुल। मैं सेटिस्फैक्टरी आपको आंसर दे पाऊंगा उसके लिए। तो जो मोटी मोटी बात आप जो किरण जी से कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जो मुझे समझ में आया कि हो सकता है कि ये काफी क्रॉनिकल डिजीज भी हो जिसकी वजह से ये हाँ सिम्टम किडनी किडनी आपको, वाला जो है यूरेमिया की वजह से हो सकता है जी तो दवा। आपको एक वेट से दिखाना चाहिए, आपको मिलना चाहिए,
प्रॉपरली, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपसे उसकी पूरी डिटेल हिस्ट्री समझनी होगी, जो कि हमारा एक प्रयास है डॉक्टर साहब। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो ये जैसे ये सवाल है वो आपसे डायरेक्ट फोन पे बात कर सके, फोटो शेयर कर सके, रिपोर्ट शेयर कर सके, और वो ठीक पूरी ठीक बात दिन तक कर सके। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल राकेश राय जी ने पूछा है, उन्होंने पूछा है, माई बीगल डॉग ऑलवेज फ्लैप्स इज हियर वेरी रैपिडली। वही है, काफी टेक्निकल है, मुझे डिटेल लगेगा विनीत जी ये सब चीज का। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इंडिकेटिव कुछ भी, जैसे एक अगर सजेस्ट कर सके, हम इनको डायग्नोसिस नहीं करेंगे ना हम इनको इलाज बताएंगे, बट अगर इनको थोड़ी बात समझ में आए कि कितनी ट्रिकी बात हो सकती है या क्या सिग्नल्स हो सकते हैं डॉक्टर। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उनको, जो मैंने 10 हिंटिंग पॉइंट दिए हिंट वाले, उसका एक रिकॉर्डिंग करें, और यानी उसका एक एक या दो दिन में, और आपके माध्यम से अगर मुझे अगर पहुंचाते हैं तो मैं उसके ऊपर स्टडी करके बता पाऊंगा कुछ नहीं तो कुछ, है ना। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, एक पापिया साहा है, उन्होंने सवाल पूछा है कि हाउ टू रिमूव डॉग टिक्स फ्रॉम हाउसेस, वी फाइंड टिक्स एट कॉर्नर्स ऑफ द रूम, हाउ टू रिमूव इट। उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो भी टिक कंट्रोलिंग मेडिसिन है वो आप वहां पे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये विषय को डेयरी एनिमल प्रैक्टिस की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जब डेयरी एनिमल प्रैक्टिस में सेम प्रॉब्लम है तो हम वहां पे फायरिंग गन यूज करते हैं, ठीक है। तो कहाँ, जहां जहां पे भी दीवार में है या मेंजर के नीचे जहां पे भी ये टिक का पॉपुलेशन है, उसको फायरिंग गन से हम लोग जला देते हैं। तो ऐसे चीज हम लोग कर सकते हैं, या टिक रिपेलेंट जो है उसका स्प्रे हम लोग घर में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रेजेंस ऑफ टिक इन टेरिटरी ऑफ योर पेट एनिमल इज ऑलवेज रिस्की। प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टिक्स विल इनवाइट नंबर ऑफ डिसीजेस टू योर पेट एनिमल। तो ध्यान में रखें कि घर में या पेट एनिमल के आजू बाजू में टिक्स या फ्लीज रहनी नहीं चाहिए। जी ठीक है डॉक्टर साहब, प्रिया जी का वो एज का आंसर नहीं आया, तो हम एक वैसे ही दोबारा हाँ, आपसे वही उसमें सवाल। है पग एनिमल में एज एक इम्पोर्टेंट है, और उनको थायराइड का पूछ उन्होंने टेस्ट किया है कि नहीं किया है, उसके बारे में थोड़ा सा आपके माध्यम से सूचित कीजिए। थायराइड का रिपोर्ट अगर होता है तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से भी ऐसे बाल का ये, यानी उसके फोटोग्राफ या जो भी टेक्निकल डिटेल है आपके माध्यम से मेरे तक अगर आ जाती है तो आई कैन स्टडी और लेट यू नो उसका ट्रीटमेंट। श्योर, ठीक है डॉक्टर साहब, यही अभी तक सवाल थे हमारे पास जो हमने लिए, अगर कुछ और आते हैं तो हम जरूर आपसे बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विदित जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एंड में मैं आपसे पूछूंगा कि कोई पार्टिंग मैसेज अगर आप देना चाहें अपने एक्सपीरियंस से जो पेट लवर्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं, उनको जाते जाते। विनीत जी, मैं तो पहले आपको बहुत यानी बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और एक यानी मौका दिया सब लोगों के साथ डिस्कस करने का। मैं मैसेज थोड़ा सा, जो आजकल का पैंडेमिक सिचुएशन है उसके ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि आज का पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें हम लोगों ने यानी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो सब लोगों को ये कहूँगा कि हम खुद का विल पावर इंक्रीज करें, नहीं इस कोरोना के अगेंस्ट के लड़ाई में हम लोग काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, और हम लोग 100% जीतेंगे। जी दूसरा, मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि आपका जो भी कॉम्पिटेंट लोकल अथॉरिटी है उनकी बातें आप सुने, वो अगर आपको कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो या जो भी उनका रिकमेंडेशन है, आई रिक्वेस्ट ऑल द मीन्स पेट पेरेंट्स कि वो फॉलो कीजिए और उनके ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास रखेंगे तो सब चीज ठीक होने वाली। और दो जी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताना चाहूंगा, एक रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आप खुद भी एक्सरसाइज कीजिए, आपके पेट को भी एक्सरसाइज करवाइए, और खुद की इम्यूनिटी इंक्रीज कीजिए, आपकी भी इम्यूनिटी इंक्रीज कीजिए और पेट एनिमल की भी इम्यूनिटी, क्योंकि ये चारों चीजें मुझे ऐसे लग रही है कि आज के दिन में काम आएगी। ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है उससे हम लोगों को फाइट करने के लिए है, उससे हमको विक्ट्री मिलने के लिए। जी यस विनीत जी, जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमारा इनवाइट आप एक्सेप्ट करने के लिए, और काफी हेल्पफुल रहा ये आपसे बात करना, काफी लोग जुड़े जो देख रहे थे, और आगे भी हमारे प्लेटफॉर्म में जो लोग हैं डॉक्टर साहब वो इस वीडियो को देखते रहेंगे, जो लाइव नहीं देख पाए वैसे वो देख पाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी डॉक्टर साहब वो हमसे जरूर जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब आपसे भी हम जुड़ेंगे कभी किसी दूसरे सब्जेक्ट पे, किसी दूसरे टॉपिक पे,
और डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार विनीत जी, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। आपको और आपकी टीम को धन्यवाद।